देखो सबसे पहले ना मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में कोई ना तो कोई ऐसा ज़रूर होगा जो ये बात पॉइंट आउट करेगा। मेरा नाम बॉबी देओल की बादल मूवी के ऊपर नहीं रखा गया था, क्योंकि वो मूवी मेरे पैदा होने के 3 साल बाद आई थी। तो फिर ये लिंक मत लगाना कि उस मूवी के ऊपर मेरा नाम, मतलब लोग जनरली अज्यूम कर लेते हैं कि भाई तेरा नाम बादल मूवी के ऊपर तो नहीं रखा। नहीं, हमारे घर वालों ने थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई थी। और ये बात वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहली बार बॉबी देओल की किसी मूवी की बात चल रही चैनल पे, फिर लोग मतलब ऐसा अज्यूम ना कर ले क्योंकि नाम थोड़ा बहुत लिंक्ड है उनसे, इसलिए उनकी तारीफ हो रही है या फिर उनके मूवी के बारे में अच्छा बोला जा रहा है, जो कि वैसा नहीं होने वाला। वीडियो के अंदर ना सबसे पहला शाउट आउट और एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू मैं देना चाहूंगा अपने फैमिली मेंबर्स को। मतलब यार देखो कल गणेश चतुर्थी है यहाँ पे, उस चीज के कारण ना इतना आज ये पिक्चर को मतलब कितना 1 घंटा 40 मिनट की कुछ तो मूवी थी बस, और उसके बीच में कम से कम 10 बार मुझे मूवी पॉज करनी पड़ी। काश यार थिएटर्स, आई मिस देम। बहुत 2 दिन हो गया नहाने में, क्या करूँ। गर्म पानी से नहाने गए तो आलस बहुत ज्यादा आ जाता है, और ठंडा पानी से नहाने में तो भाई इतना डर लगता है ना कि कहीं सर्दी ना हो जाए, और सर्दी हो गई तो फिर उठा के ना लेके चले जाए कि भाई इसको कोरोना हो गया लेके चलो। खाना तो खा लिया लेकिन थोड़ा ऐसे ना पेट निकल रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। तो अगर वीडियो के अंदर डकार वगैरह आ जाएगा तो माफ कर देना। और इससे पहले अगर वीडियो छोड़ दिया, आपको लग रहा है ना कि मैं बहुत ऐसे इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, तो देखो मूवी के बारे में भी कुछ ऐसी ही फीलिंग्स है मेरी। क्योंकि जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था ना, तो मैं एक्साइटेड था कि हाँ बॉबी देओल ने एक सीरियस रोल तो किया है, देखते हैं काम में भी अच्छा हो, मूवी अच्छी निकले। लेकिन यार शायद मैंने एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज्यादा लगा लिए थे। तो क्लास ऑफ 83 एक न्यू मूवी आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर आज एकदम गर्मा गर्म, और इसको प्रोड्यूस किया है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट यानी कि शाहरुख खान की कंपनी ने। मूवी के अंदर मेन स्टार है अपने बॉबी देओल। लेकिन यार देखो अगर आप ये सारी चीजों को सोच के जाओगे ना, और आपका मेंटालिटी ऐसा है मूवी देखने से पहले कि हमको बॉबी देओल की मूवी देखने मिलने वाली है, तो फिर आपको मूवी के अंदर कुछ और देखने मिले ना मिले लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जरूर देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि मूवी के बेयरली 50% भी नहीं है वो पिक्चर के अंदर। अब जैसा कि इस मूवी का नाम है क्लास ऑफ 83, तो इस मूवी का जो एक्चुअल मेजॉरिटी ऑफ रन टाइम है ना, वो जो पुलिस एकेडमी का क्लास था 1983 के बैच का, उसके 5 स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता है। वो 5ों होशियार नहीं थे, मार्क्स में हमेशा नीचे रहते थे, लेकिन फिर भी वो लोग मेन है इस स्टोरी के। और मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि ये एक बुक पे बेस्ड है, मतलब थोड़े बहुत रियल इंसिडेंट्स इसके अंदर यूज किए हैं उन्होंने, लेकिन ये 100% करेक्ट डिपिक्शन नहीं है। मेरे मेजॉरिटी ऑफ रिव्यूज में, मतलब ज्यादातर उसके अंदर मैं जो है ना मूवी या फिर सीरीज के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसके ऊपर पहले बात करता हूँ, नेगेटिव जो है वो बाद में लेते हैं, लेकिन इस बार है ना थोड़ा उल्टा करते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, छिछोरे, दंगल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पार्ट 1। अब मैंने आपके सामने ये रैंडमली कुछ ऐसे मूवीज के नाम रख दिए, इनमें कोई लिंक नहीं, लेकिन आप इनके बारे में सोचने जाओगे ना तो इनमें से आपको एक डिफरेंट टाइप का स्टाइल देखने मिलेगा, एक डिफरेंट टाइप का वाइब आएगा मूवी से, जो कि इस मूवी के अंदर कंप्लीटली मिसिंग था, एकदम फ्लैट। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मूवी को सिर्फ बनाने के लिए ना पेपर में से जैसे मशीन कॉपी पेस्ट करता है ना, वैसे सीन्स जो है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट किए गए, कोई ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं लगाई गई है उनके अंदर। और इस चीज के पीछे ना भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इस मूवी के लिए मुझे लगा कि इसका जो एडिटिंग था ना वो उस लेवल का नहीं था, क्योंकि डायलॉग्स कुछ ऐसे सीन थे ना बस मतलब कट 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 किए। अगर एक कैरेक्टर डायलॉग बोल रहा है तो उसके फेस पे कैमरा डायलॉग स्विच करते हैं दूसरे फेस पे, वो एक रिदम फील नहीं हो रहा था मूवी के अंदर। बहुत बार तो सीन्स ऐसे इतने जल्दी कट कर दिए कि जो मीनिंग उसमें से निकलना चाहिए वो मीनिंग मिला नहीं। 1983 बैच के जो 5 लोअर लेवल के पुलिस वाले हैं ना, जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं, उनको आप जान तो जाओगे, आप रिकॉग्नाइज भी कर लोगे कि ठीक है ये पर्सन ये है, वो पर्सन वो है, लेकिन उनसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, जिसके कारण मूवी के 3rd एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लेकिन वो फील नहीं होता। और मोस्टली जो हम लोग मूवीज देखते हैं ना, उनके अंदर हमको कोई ना तो कोई एक एक्सपीरियंस, कोई ना तो कोई एक फीलिंग जरूर मिल जाती है, जैसे कोई मूवी के अंदर हमको डर लगा हो, हंसी आई हो, शॉक लगा हो, सरप्राइज मिला हो, इस मूवी के अंदर कुछ भी नहीं। मे बी इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि मेरे घर वालों ने मुझे इतना ज्यादा बार टोका हो तो फिर मैं मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाया हूं, लेकिन फिर भी इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसको देख के लगे ओ भाई देखने में मजा आए। मूवी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले किया है अनूप सोनी ने। अब ये वही है जो टीवी पे आके आप लोगों को वार्निंग देता है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आप लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैया वो भी इस मूवी को नहीं बचा पाए। जितने भी एक्टर्स थे इस मूवी के अंदर उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा जबरदस्त था। जो 5 पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ज्यादा जाने माने लोग नहीं है, उनको जो मटेरियल मिला था वो उन्होंने ठीक ठाक ओके वे में, कुछ का काम थोड़ा अच्छा था, कुछ का काम ओके ठीक है, लेकिन मूवी के जो मेन स्टार है ना वो तो अनडाउटेडली
बॉबी देओल। मैं उनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि नाम से मिलर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उनका सच में काम मूवी के अंदर अच्छा था। और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर उनकी बहुत कम मूवीज मैंने पूरी देखी है, शायद एक भी नहीं देखी पूरी की पूरी शायद इस मूवी के अंदर। सीरियसली इट डिड अ वेरी गुड जॉब। लेकिन यहाँ पे फिर एक बड़ा क्वेश्चन ये निकलता है कि क्या कोई भी एक्टर के परफॉर्मेंस देखने के लिए मूवी चालू करके प्ले कर दोगे और डेढ़ घंटा या फिर एक घंटा 40 मिनट जितना भी रन टाइम आप बैठ के उसको एंजॉय कर पाओगे क्या? मेरे लिए तो आंसर है नहीं। और देखो मूवी मैंने देख के खत्म तो कर दिया, और पहला मेरा थॉट दिमाग में यही था कि मैं इसका रिव्यू नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्टली अभी लॉकडाउन में तो वैसे ही मूवीज का रिव्यू कर रहा हूँ जो देखने लायक होंगी या फिर जिनका बहुत ज्यादा मैं मजाक उड़ाता हूँ वीडियो के अंदर, जिसके कारण आप लोगों को वीडियो देख के तो कम से कम एंटरटेनमेंट मिले। इस मूवी का जो रिव्यू है वो दोनों ही केस में फिट नहीं बैठता और इसीलिए मैं रिव्यू नहीं करने वाला था। फिर मैंने सोचा कि हर बार जो रिव्यू है वो रेकमेंड करने के लिए ही थोड़ी करना है, मतलब आपका अगर मैं टाइम बचा रहा हूं तो फिर वो भी इंपॉर्टेंट बात होगा ना, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि भैया नहीं जाना इस मूवी की तरफ। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम खाली है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पहले से है और आपके पास दूसरा कुछ नहीं है देखने के लिए, तो आप देख मतलब चालू कर लेना अगर आपको लगे कि ठीक है, मतलब ओके लग रहा है, टाइम आपका कट जरूर जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मूवी के अंदर बोर होता है, इसके अंदर थोड़े बहुत जो 5 कैरेक्टर है उनके बारे में इंटरेस्टिंग चीजें कुछ दिखाई हैं, लेकिन मूवी आपके ऊपर कुछ ऐसा इम्पैक्ट करेगी ऐसा कुछ लगता नहीं, कुछ नहीं। डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग हुई थी मूवी खत्म करने के बाद अगर मैं सच बोलने जाऊँ तो, क्योंकि इसके अंदर एक दो पॉइंट से बहुत क्लेवर है और मूवी में ऐसा लग रहा था कि यार अच्छी मूवी बननी चाहिए, क्योंकि इसको जितना हो सके उतना रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है, वो एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन फिर भी मूवी से जो है वो कनेक्ट बना नहीं मेरा, मैं याद भी नहीं करना चाहता इसके बारे में। मैं भी ये क्या मैसेज आया, आपका आइडिया अनलिमिटेड पैक 23 अगस्त को खत्म आ रहा है, तो भाई खत्म होने दो यार, स्पीड कहाँ देते हो तुम लोग, देख रहे हो मतलब जितना मतलब ऑल ओवर द प्लेस मेरा ये रिव्यू है ना, बस वही मूवी का भी हाल है समझ लेना। अगर आपने मूवी पहले से देख ली, आपको कैसे लगी, पसंद आई या नहीं आई, आप इसको देखने वाले हो नहीं देखने वाले हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको अच्छे वाले रिकमेंडेशन चाहिए, मेरा वीडियोज में रेगुलर नहीं ला पाता तो फिर मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर रिव्यू पसंद आया तो फिर इसको एक लाइक कर देना, लाइक का मैं रखता नहीं क्योंकि आप लोग अचीव कराते नहीं। उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।